أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ये सूरत अल-फलक है और सूरत अल-फलक मुआवज़ात में से तीसरी और मुआवज़ातैन में से दूसरी और एक एतबार से पहली, क्योंकि असल में तो पहली सूरत अल-फलक है ना। 113 नंबर पर सूरत अल-फलक है और 114 पर सूरत अन-नास है, लेकिन ये चूँकि अंदाज दूसरा है छोटी मुख्तसर सूरतों की तरफ से बड़ी की तरफ बढ़ने का, तो इसमें पहले नास रखी गई और बाद में सूरह फलक रखी गई। और मुआवज़ात में चूँकि कुल हुवल्लाहु अहद बीशाद शामिल है तो वो जमा का सीगा, जैसे कि इस सिलसिला में काफ़ी सारी तफसीलात जो हैं वो सूरत नास की तफसीर या तर्जमा के हवाले से आपके सामने जिक्र की जा चुकी हैं, जिनमें से ही ये कि अल इस्तेआज़ा या पनाह तलब करना ये भी एक इबादत है। जैसा कि पिछले दर्स के ज़मन में ये बात चल रही थी कि इबादत की बेशुमार किस्में हैं, कौली, माली, कल्बी, ज़बानी, तो पनाह तलब करना भी अल्लाह की इबादत में से एक इबादत है। और इस सूरत में इस इबादत का ज़िक्र है, पनाह तलब करने का, और जो आदमी ये इबादत सरंजाम देता है उसको अल-मुस्तईज़ कहेंगे, जिसने पनाह तलब की। और तीसरी चीज़ है अल-मुस्तआज़ु बिही, वो ज़ात जिसकी पनाह तलब की जाती है, वो ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की, जैसा कि आऊज़ु बिल्लाह, वहाँ आऊज़ु बिल्लाह कि मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की, अल्लाह की पनाह में आता हूँ। और यहाँ है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, यहाँ मैं फलक के सुबह के रब की पनाह लेता हूँ, पनाह में आता हूँ। और ये हो गया अल-मुस्तआज़ बिही। और चौथी चीज़ है अल-मुस्तआज़ मिन्हु, किस से, किस के शर से अल्लाह की पनाह लेनी है, वो है शैतान। आऊज़ बिल्लाह में भी है आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, और यहाँ है कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक मिन शर मा खलक, किन किन चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब की जा रही है। मिन शर्र मा खलक व मिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, चार चीज़ों के शर से अल्लाह की पनाह तलब की है इस सूरह फलक में। और इन तीनों चारों चीज़ों को ज़हन में रखें कि इबादत इस्तआज़ा मुस्तईज़, ये इबादत सरंजाम देने वाला अल-मुस्तईज़ु बिही अल्लाह ताला, अल-मुस्तईज़ु मिन्हु शैतान, सारी सूरत का मफहूम जो है इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद मा रहे हैं, कुल ऐ मेरे नबी कह दीजिए, आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, रब्बिल फलक सुबह के रब की मैं पनाह में आता हूँ।
من شر ما خلق, ما خلق کا جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی تمام مخلوقات کے شر سے میں الگ ہی بنا ہوں. اب وہ مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں تب, نہیں نظر آ رہی تب, بلکہ زیادہ نقصان ہمیں وہ مخلوقات دے رہی ہیں جو نظر نہیں آ رہی. جنات آج کل جادوگروں نے اور حاسدوں نے اتنے زور شور سے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے, تعویذ, گنڈا, جادو, ٹونے, یہ اور وہ, وہ ہمیں نظر نہیں آتے. مالی نقصان وہ کرتے ہیں, جسمانی نقصان وہ کرتے ہیں, روحانی نقصان اور نفسیاتی نقصان وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے بندہ پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, من شر ما خلق, جو کچھ اے اللہ پیدا کیا تو نے, میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, فضا میں ہے, زمین میں ہے, پانی میں ہے, جہاں بھی ہے, اور ایک مخلوق آسمان پر ہے جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, اور نہ وہ مخلوق ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے نا, وہ بھی فرشتے بھی تو مخلوق ہیں, فرشتے بھی مخلوق ہیں, جن بھی مخلوق ہیں, اور وہ بے ضرر ہمارے لیے بے ضرر مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو وہ فرشتہ ہی ہے. باقی یہاں کیڑا مکوڑا, کبھی بڑے پیارے کیڑے نظر آتے ہیں لیکن چلتے چلتے آرام سے ہی وہ چھوٹی سی چوٹی کاٹ لیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ تاریکی چھا جائے, رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ رات آ جائے. اس تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, اور فرمایا کہ جس وقت شام ہوتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے, سورج غروب ہونے کے بعد ایک تھوڑا سا وقت ہے جس کو جھٹ پٹا بھی کہتے ہیں, نہ ابھی پوری رات آئی ہے نہ ابھی دن بچا ہے, دن بچا نہیں, رات پوری زور سے آئی نہیں, اس جھٹ پٹا میں تھوڑے سے وقت میں جو اندھیرا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اندھیرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں شر والی, تکلیف دہ, اذیت ناک, وہ باہر نکلتی ہیں, جنات منتشر ہوتے ہیں اس وقت, اپنی بلوں سے کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو دن کی روشنی کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے کہ کہیں انسان مار نہ دے, وہ بھی باہر نکل آئے, سانپ, بچھو, یہ وہ, اگرچہ دن کے وقت بھی نکلتے رہتے ہیں لیکن یہ وقت خاص طور پر ان کے نکلنے کا, درندے اپنے غاروں سے, کچھاروں سے, کیڑے مکوڑے اپنی بلوں سے, اپنے سوراخوں سے, اور جن بھوت اپنے ٹھکانوں سے منتشر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے, جب خاص وہ مغرب کا اندھیرا چھاتا ہے, اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو اور اپنے جانوروں کو سنبھال لو, اور یہ نہیں کہ اب ساری رات پر وہی, تھوڑا سا عرصہ یہ کیفیت ہے, اس کے بعد جب یہ منتشر ہوتے ہیں اس کے بعد بچے بھی باہر آ جا سکتے ہیں, جانور بھی باہر آ جا سکتے ہیں. اس وقت جب شام چھاتی ہے, اندھیرا چھاتا ہے, اس سے, اس کے شر سے پناہ مانگنے کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. اب یہ سارے جادوگروں کا خاتا ہے, جادوگر ٹولہ ہے, گروں میں پھونکے مارنا جادوگروں کا وہ سسٹم ہوتا ہے, دھاگے میں گریں, بال میں گریں, جس چیز میں چاہیں, رسی میں گریں, کپڑا لیا کپڑے میں گریں, وہ گرا لگاتے ہیں, اس کے اوپر کچھ منتر ونتر پھونکتے ہیں اور کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا نسخہ تیار کر دیتے ہیں. اور اس گروں کا ذکر جو ہے وہ سورہ ناس کے ضمن میں بھی میں نے کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا تھا وہ کیسا تھا, مشتن و مشاتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں, مشتن و مشاتا اور مشتن و مشاقا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی کے کچھ دندانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زلفوں کے, داڑھی کے بال, ان کو لے کر گرا لگائی گئی
और मोम की गुड़िया सी बना के उसमें सुइयां चुभोई गईं और बड़ा जालमाना किस्म का, बड़ा सख्त किस्म का जादू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया और उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल की गई। जादूगर जिस पे जादू करते हैं अमूमन उसके जिस्म से मुतालका कोई ना कोई चीज़, जैसे भी बाल हैं दाढ़ी के हों सर के हों तो ये ज़हरा के जिस्म का हिस्सा है, किसी के जिस्म का इस्तेमाल शुदा कपड़ा है, जूता है, बनियान है, कुछ है, और कुछ ना हो तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये गिलास है पानी का, बोतल है, इसमें से पिया बाकी का वो उठा लेते हैं। और अगर ये भी मिलना मुमकिन नहीं है कि आदमी ने पिया और वो पी गया, अब ये बोतल चूँकि मुंह पे लगा के पानी पिया गया है, इस बोतल को उठा लेंगे, इसमें से कुछ पानी डालकर निकाल कर उस पर अपनी कार्रवाई, यानी कुछ ना कुछ जिस्म की कोई ना कोई चीज़ लेकर अमूमन वो कार्रवाई की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से उतरे हुए गिरे हुए बाल किस तरह यहूदियों के पास पहुँच गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक लड़का काम करता था, खिदमत गुजार था, और यहूदी उसके पीछे लगे रहते कि कभी ना कभी, वो मुखलिस था बड़ा, लेकिन आदमी जब कभी को पीछे लगा रहे तो कभी ना कभी शैतान का वार चल जाता है, झांसे में आ गया। अब वो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आता जाता रहता खिदमत करता है, कहीं आपने कंघा किया जुल्फ़ों को, दाढ़ी को कंघा किया, उस कंघे में कुछ बाल फंस गए, कंघे के दंदाने गिर गए, उसके लिए ज़ाहिर है कि किसी भी वक्त ये हाथ में आ गई चीज़ें, और वो जाकर उसने लबीद बिन आसम बनी जुरैक का आदमी, यहूदियों का हलीफ और मुनाफिक, अपने आप को मुसलमान भी ज़ाहिर कर लेने वाला लेकिन असलन यहूदियों का आदमी, उसके पास ये लेके चला गया और उसने फिर अपनी बेटियों के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई की। बाज़ मुफसरीन ने तो ये कहा है कि ये जो नफ़ासात है, मुअन्नस का सीगा है, जमा का सीगा है, मिन शर्रिन नफ़ासात फिल उक़द, गिरहों में फूंके मारने वालियों के शर से, मुअन्नस का ना वालों के नहीं वालियों। अब ये वालियाँ कौन हैं? बाज़ ने कहा कि लबीद बिन आसम के साथ चूँकि उसकी बेटियाँ भी शामिल थीं, एक लबीद और बाकी उसकी बेटियाँ, वो जादू करने में शरीक थे वो सारे, लेकिन चूँकि लबीद का ज़िक्र है वो मौजूद है, लिहाजा कहा गया कि जो लोग इस सिलसिला में कार्रवाइयाँ डालते हैं उनके साथ कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लिहाजा वो कोई ऐसी पुख्ता बात नहीं है, बल्कि मुफस्सिरीन ने रद्द किया इस बात का कि यहाँ लबीद की बेटियों को शुमार किया जाए, बल्कि जितनी बदरूएँ वगैरह इन जिन्नात वालों के साथ, जादू वालों के साथ शामिल होती है, यहाँ वो मुराद है, मिन शर्र नफ़ासात फिल उक़द। तो ये चीज़ें ले जाकर उसने उन पे जादू किया और बिर ज़रवान की तह के नीचे जो पत्थर है उसके नीचे छुपा दिया। दो फरिश्ते आए और आके खड़े हो गए, ये मेरा ख्याल जिक्र पूरा तफसील के साथ पिछले दर्स में भी हुआ था ना। एक आके पूछता है माँ बहर रजल, जो एक सराहने आ गया, एक पैंती खड़ा हो गया, पैंती वाला पूछता है माँ बहर रजल, आदमी को, इस शख्स को, इन हजरत को क्या हुआ? तो दूसरा कहता है मतबूब, इनको जादू किया गया है, इनको बीमार कर दिया गया है। अब रहा कि क्या हुआ, वो सारी डिटेल जो है वो बारी बारी चलते चलते ठिकाना भी बताया गया, वहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और बाज़ दीगर सहाबा जाके वो ले आए। बाज़ रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए वहाँ से वो जादू निकलवाया और दम किया। गर्ज ये कि इस अंदाज से फूंके मारने वालियों और वालों, वो असल में ज़्यादा ये जादूगर जो है वो ज़्यादा मर्द हैं, औरतें जादूगर कम हैं सही कहीं कहीं लेकिन कम हैं, और यहाँ जो है ये मुअन्नस का ज़िक्र इसलिए नहीं कि ज़्यादा औरतें हैं और ना लबीद बिन आसम की बेटियों की तरफ ये नस्बत है, मुतलकन है कि जो ये जादूगर और इनके साथ बदरूएँ काम करने वाली वो सारी, उन सब के शर से अल्लाह ने पनाह मांगने का हुक्म दिया। और ये आप देखें मिन शर मा खलक, पूरी मखलूकात के शर से, दूसरा मिन शर गासिकिन इज़ा वक़ब, जिस वक़्त रात अंधेरा छाने लगे उसके शर से, और मिन शर नफ़ासात फिल उक़द, फूंके मारने वालियों के शर से, तीन, और चौथी चीज़ है व मिन शर हासिदिन इज़ा हसद,
जब हसद करने वाला हसद करे तो उसके शर से भी मैं अहला बना मानता हूँ। अब हसद करने वाले का शर क्या है, हसद क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है, कमा ताकुल नारुल हतब, जिस तरह आग लकड़ी को खाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही हसद नेकियों को खाकर ख़त्म कर देता है। इतनी बुरी चीज़ है। और हसद है क्या? आदमी ने किसी के पास नेमत देखी और फट गया, कहा कि ओ इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है इसने, इतना खूबसूरत घर है इसका, ये इतना खूबसूरत बच्चा है इनका, बेटा है इनका। अब ऐसा दिल से जला, ऐसी दिल में उसके हुक उठी और इस तरह माशाल्लाह के बगैर ज़बान से कलिमात निकाले, वो उसकी नज़रें बद जो है वो सामने वाले को जा लगी। पिछले दर्स में मैंने जिक्र किया था, ये वाक़यात यहाँ कहीं कहीं हो रहे हैं। बाज़ लोगों ने, बाज़ हमारे अहबाब ने बताया कि फ़लाँ मोहल्ले में एक आदमी है, इतनी उसकी नज़रें बद जाती हैं कि ऐसे वाक़या बाकायदा जो पेश आया, बताया कि बच्चा साइकिल चला रहा है तो कहा कि ये कितना ऐसे कुछ कहने की बात है, बच्चा सर के बल गिरा, साइकिल ऊपर बच्चा नीचे। कुछ लोग इतने तेज़ नज़र वाले कि उनकी नज़र फ़ौरन खा जाती है, और बीमारी ये है कि उनको ये तौफीक नहीं अल्लाह देता या उन्हें तौफीक नहीं होती कि वो कहें माशाल्लाह क्या बच्चा खेल रहा है। इतना माशाल्लाह क्या बच्चा खेल रहा है, वो खेलता रहेगा, लेकिन जब तकलीफ़ के साथ और ये लफ्ज़ कहे बगैर, कभी कभी गैर इरादी तौर पर भी नज़र लग जाती है, उसका इरादा नहीं है, कोई उसके खिलाफ कोई नीयत नहीं रखता, लेकिन माशाल्लाह नहीं कहा, अल्फाज ऐसे निकाले जिसके नतीजा में उसको नज़र लगे। जानवर चलता चलता लपेटा जाएगा, गाड़ी चलती चलती खड़खड़ शुरू कर देगी आवाज़ आना, किसी की नज़र खा गई। और वो सहाबी का वाक़या मौजूद है, सहाबी नहाने लगा, कपड़े निकाले, और सहाबी दूसरा कहता है कि अल्लाह की कसम मैंने आज तक इतना खूबसूरत जिस्म नहीं देखा। हदीस में जो अल्फाज हैं वो मैं बहुत कमो बेश ऐसे ज़िक्र करता हूँ क्योंकि मेरे जहन में हर मरतबा होते हैं, लेकिन चूँकि उन अल्फाज से हमें गर्ज़ नहीं, मुराद यही है। असल में वो अल्फाज मुमकिन भी हैं, लेकिन वो कुछ इतने लगता है कि शायद ना जिक्र करने में बेहतरी है कि मैंने इतना खूबसूरत जिस्म आज तक किसी का नहीं देखा। गर्ज पूरी होती है या नहीं, लेकिन वहाँ अल्फाज थोड़े से मुख्तलफ हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। वो मैं बहुत कम, बल्कि मेरा ख्याल है मैं कभी ज़िक्र नहीं किए, या एक आध मरतबा कोई मौका आया ज़िक्र करने पड़े, वहाँ है कि मैंने इतना खूबसूरत जिस्म किसी औरत का भी नहीं देखा। अब सहाबा के बारे में हम ये तो कह ही नहीं सकते कि नाउज़ बिल्ला औरतों की, लेकिन अपनी चार बीवियाँ तो उनकी हो सकती है ना, या पर्दे से पहले के ज़माना की कुछ बातें। गर्ज़ ये कि सहाबी ने आदमी को देखा नहाने के पहले, जो कपड़े बदलने लगे या छोटा कपड़ा पहन कर बड़े कपड़े निकालने लगे, ज़बान से अल्फाज निकले, सहाबी सिमटना शुरू हो गया, जैसे सुकड़ना जकड़ना। बेटा पास कहीं मौजूद था, भागा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह ये हुआ। आपने फरमाया, अततहिमून अहदन, क्या तुम किसी पर इल्ज़ाम देते हो? तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह किसी पर इल्ज़ाम क्या लगाएंगे, यानी ऐसे बिलावजा किसी पे ये भी नहीं कर देना चाहिए भाई तुम्हारी नज़र लगी, ये कहेंगे तो ज़ाहरा के सामने वाला तो उलझेगा ना, लाजमी बात है। और कहीं ऐसा भी है कि नज़र पक्की बात है कि उसी की लगी हो, फिर भी हिकमत के साथ, दानाई के साथ, अच्छे तरीके से, अगर आपने मिसाल के तौर पर उसके गुसल का पानी लेना है या उसके वज़ू का पानी लेना है, तो यही कहेंगे ना कि तेरी नज़र लगी मेरे बच्चे को नहाओ, तो वो कहेगा जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं नहाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर यही बात अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज से करेगा तो यकीनन आदमी, बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ, नज़र का पता है कि किसकी लगी, और उन्हीं को जाके आप आराम से कहें कि भाई देखो आप नेक आदमी हैं और हमें बच्चे को दम कर दीजिए, और थोड़ा सा अपना वुजू करके पानी भी थोड़ा ऐसे दे दो या गुसल का, मेरा ख़्याल है आदमी खुश होगा।
जब उसे कहेंगे तुम नेक आदमी हो, नमाज पढ़ते हो, नज़र नमाजी की भी लग जाती है। अब ये नहीं कि जो नमाज पढ़ता है उसकी नज़र नहीं लगती, नमाजी की भी नज़र लग जाती है। मैंने जो साइकिल वालों का वाक्य सुना रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मस्जिद के पास बैठे होते हैं, नमाज पढ़ी मस्जिद के पास बैठ गए, बच्चे जाते आते गलियों में, बाज़ महलों में है ना पुराने बदबुओं के बैठने के सिलसिले बने हुए। गर्ज ये कि अगर आप कहें कि आप नमाजी आदमी हैं, ज़रा थोड़ा दम कर दो बच्चे को, फातिहा पढ़ के दम कर दो, अब ज़ाहिर है कि वो दम तो जानता नहीं लंबा चौड़ा, सूरत फातिहा पढ़ के ज़रा फूंक मार दें और ज़रा गुस्ल या वजू करके पानी, वो यकीनन देगा। लेकिन अगर आप डंडे के ज़ोर से चाहेंगे तो वो अगर बड़ा भी कमज़ोर होगा तो ये मानने वाला नहीं है। गर्ज ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फरमाया कि जाओ उस आदमी से जाके कहो जिसने ये अल्फाज कहे हैं, गुस्ल करे, अपना जूठा पानी जो है वो तुम्हें दे दे, ला के अपने बाप पे वो पानी पीछे से गिरा दो। पानी की बाल्टी पीछे से गिराई, हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि वो शख्स इस तरह, वो सहाबी इस तरह जकड़बंद से खुला जैसे उसकी सारी किसी बंधे हुए आदमी की रस्सियाँ खोल दी जाएँ तो वो उठ के खड़ा हो जाता। थोड़ी देर पहले तक जो खड़े नहीं हो सकता, सीधा बैठ नहीं सकता, वो जकड़ा हुआ था, अब वो खुलकर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, कोई बीमारी नहीं रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बता दिया कि नज़र लग जाती है। और मैंने एक वाक्या पिछले हदीस के हवाले से जिक्र किया था, यहाँ किया या मस्जिद में किया, बहरहाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर में देखा कि किसी बच्चे के चेहरे पर कुछ काला दाग है, साफा अरबी में, तो फरमाया कि इसको नज़र लगी हुई है, इसको नज़र का दम करो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र को मानते थे, नज़र का दम करना भी आपने सिखलाया, और यही दोनों सूरतें मुअव्वज़तैन जो हैं ये नज़र का दम है। सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ लीजिए, ये दो सूरतें पढ़ लीजिए, दम कीजिए, इंशाल्लाह नज़र ख़त्म हो जाएगी। और ओईज़ु कब कलिमात अल्लाह तामत, वो जो मारूफ दुआ है ना, ओईज़ु कुमा, अपने दोनों निवासों हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दम किया करते थे, ओईज़ु कुमा बिकलिमात अल्लाह तामत मिन शर्र कुल शैतानिन व हामतिन व मिन कुल ऐन लामा। बाल बच्चों वाले दुआ याद कर लें, बल्कि जो अभी कुंवारे हैं वो भी कर लें, अभी कल को बारी तो आने वाली है ना इंशाल्लाह, ये दुआ याद करें, ओईज़ु कुमा बिकलिमतिल्लाह तामत, इसको ओईज़ु का, बच्चा अगर लड़का है ओईज़ु का, लड़की है ओईज़ु के, मुअन्नस का सीगा दो हैं जैसा हदीस में है ओईज़ु कुमा, और अगर सारे घर वालों को दम करना है इकट्ठे ही तो ओईज़ु कुम, उसमें लड़कियां लड़के उनकी माँ आपकी अपनी वालदा सब आ जाते हैं। तो ये दम जो है ये करना चाहिए, नज़र लग जाती है, नज़र भी है, हक है, अल ऐन हक बुखारी शरीफ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादू है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया, कुरान ने बताया कि जादू है, तो गोया इन चीज़ों का इनकार करने का कोई माना नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, बल्कि बाद लोगों ने बड़ा तूफ़ान उठाया, जो ख़ास तौर पर मुनकरीन हदीस का टोला है, उनको तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, कहाँ कि अल्लाह ने फरमाया है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा तो जादू कैसे हो गया। भाई अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बचाया, किसी जालिम के कत्ल का वार आप पे कामयाब नहीं हुआ, कितने 36 कातलाना हमले हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह ने हर हमले से महफूज किया, लेकिन आपने जंगें लड़ी, जहाद में शिरकत की, दांत टूटे, सर फूटा, जख्म कंधों पर आए, ये उस आयत के खिलाफ नहीं जाता, ये एक आम सी बात है, चोट आ गई, तकलीफ आ गई, लेकिन अल्लाह ने बंदों के हाथ से नबी को कत्ल नहीं होने दिया, अल्लाह ने वो हिफाजत किए रखी। इसी तरह ये असर हो गया, कुछ अरसे के लिए हुआ, और इस असर का ताल्लुक जो है वो खाने से, पीने से, या अपनी बीवियों के साथ मिलने से, इन तीन चीज़ों से ताल्लुक़ था। शरीयत में कतअन किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने महफूज रखा अपने नबी को। वो कहेंगे कि नहीं, ये चूंकि हो ही नहीं सकता, लिहाजा सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों के खिलाफ भी बदज़बानी शुरू कर, कहा कि नबी को जादू हो ही नहीं सकता था,
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ آہستہ آہستہ اس حوالے سے کہا کہ بخاری کی حدیثیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں جسے پوری امت کے علماء نے کہا کہ یہ صحیح ہیں، کچھ لوگ اٹھتے ہیں جن کو صرف ڈاکٹر ہونے کا شرف، کئی ایسے ہیں ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لینا، کئی ہیں کہ ان کے پاس وہ بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا بڑھ بڑھ کے چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں جیسے کہ پوری امت کے علماء نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں تھے، اور یہ سارا کچھ ان کو سارا کچھ مل گیا۔ بعض منکرین حدیث ہیں، بعض منکرین حدیث تو نہیں لیکن ان سے متاثرین ہیں، وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہے لیکن حدیث کے انکار کے دروازے کھول رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ پاکستان میں تھے، اور برصغیر پاک و ہند کے جب بھارت تھا، مشترکہ ہند تھا، اس وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حدیث کے منکر نہیں لیکن انکار حدیث کے لیے چور دروازہ کھولتے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں، بہانے بہانے سے کہا کہ جادو نہیں ہے تو نبی پہ جادو کیسا، بخاری کی وہ حدیثیں صحیح، اب تھوڑی سی حدیثوں پہ اس طرح اس طرح کر کے الزام لگائیں گے، لوگوں کے دلوں سے آٹومیٹک حدیث کی جو عظمت ہے، مقام ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وہ کام کرتے رہے ہیں۔ عبداللہ چکرالوی برصغیر پاک و ہند میں پہلا شخص ہے جس نے یہ سلسلہ انکار حدیث کا بہت پہلے شروع ہوا تھا، یہ بہت پہلے شروع ہو گیا، صحابہ کرام کے زمانے میں بعد لوگ معتزلی آئے اور انہوں نے انکار کرنا شروع کیا، لیکن صحابہ کی برکت سے وہ سلسلہ محفوظ ہو گیا۔ موضوع بڑا اہم ہے لیکن ابھی وقت بہت کم ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ان کے شر سے۔ وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، عبداللہ چکرالوی، سر سید احمد خان، مولوی چراغ علی، اور آگے چلتے آئیے حمید وحید الدین فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی، بڑے بڑے مشہور نام، اور آج کل جاوید غامدی۔ جاوید غامدی سنتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ ٹیلی ویژن پہ، بڑا ٹیلی ویژن کا علامہ ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں حافظ صلاح الدین یوسف، جنہوں نے یہ تفسیر کی کتاب لکھی ہے نا، احسن البیان، یہ احسن البیان ہی ہے جو دارالسلام میں احسن البیان کے نام سے بکتی ہے، گورنمنٹ نے اس کا نام ذرا اپنے انداز سے رکھا ہے۔ حافظ صلاح الدین صاحب یوسف نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ملاؤں میں مسٹر اور مسٹروں میں ملا ہوتے ہیں۔ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، جب ملا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ ان میں مسٹر لگتے ہیں، یعنی صاحب بہادر لگتے ہیں، اور جب صاحب بہادروں میں ہوں تو وہ ملا لگتے ہیں۔ ان میں سے جاوید غامدی خاص طور پر ایسے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ مسٹروں میں مسٹر، ملاؤں میں ملا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے شر سے ہمیں، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حدیث شریف کے بارے میں بد زنیاں، بد گمانیاں پھیلانے میں یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جادو ہے، نظر بد ہے، لگتی ہے، اثر ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو اتنے زیادہ معوذات پڑھنے والے تھے، اس کے باوجود جادو ہو گیا۔ آج اگر کسی پہ ہو جاتا ہے تو انکار والی ایسی کون سی بات ہے؟ غرض یہ کہ جادوگر کی سزا بھی طے ہے۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ جتنے جادوگر ہیں سب کو قتل کروا دیا جائے۔ پہلی بات، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور ان کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر ایک ان کے گھر کی کنیز نے وار کیا جادو کا، تو انہوں نے اسے بھی قتل کروا دیا تھا۔ تو گویا جادوگر کی سزا سزائے موت، جادوگر کافر، جادوگر کافر اور اس کی سزا سزائے موت ہیں، جو کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے کفر کا، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے کافر ہونے کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں موجود ہے، جہاں اللہ رب العزت فرمایا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا،
सुलेमान ने कुफर नहीं किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहते थे ना कि ये जादू सिखाते हैं, करते हैं, कराते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने कुफर नहीं किया, बल्कि शैतान हैं जो कि कुफर करते हैं। और ये ख़ास तौर पर जो अंधेरे के सिलसिले में अंधेरा छा जाए, अंधेरा, काली चीज़, इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको मालूम है कि जितने भी गलत किस्म के तावीज़ गंदे करने वाले हैं उनको काली चीज़ों से बड़ा प्यार है। काला दुपट्टा लेके आ जाओ, काला मुर्गा लेके आ जाओ, मुर्गा मांगेंगे तो भी काला कहेंगे, जी मुर्गा काला लाओ, लेकिन हम उसकी कलगी को काट कर उसमें से खून निकालेंगे, हमें कुछ चाहिए ये वो। ये काली काली चीज़ें जितनी हैं ये काले करतूतों वालों को बड़ी पसंद है। लिबास काला भी किन का पसंदीदा है? शिया का। काले करतूतों वालों को काली चीज़ें बड़ी पसंद हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब से पूछा गया कि तू जो कहता है कि मेरे पास वही आती है तो क्या है, कब आती है? तो उसने कहा कि जब रात को अंधेरा छा जाता है तो उस वक़्त मेरे पास वही आती है, रात के तारीकी में, अंधेरे में। काला करतूत काला ही काम हुआ ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन के वक्त भी वही आती थी, रोशनी में वही आती, उसकी वही भी रात को आती। और उसका जो वही लाने वाला है, अब उसको हम फरिश्ता तो कह नहीं सकते ना, उस पर तो कोई शैतान ही आता होगा ना। उसको जो शैतान वही लाया करता था, पूछा गया कि तुम्हारे वही लाने वाले का क्या नाम है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, तो उसने नाम बताया, कहा कि मुझ पर जो वही लाता है वो मेरे उस वही लाने वाले शैतान का नाम है एटची टेची, है ना, जैसे अटैची केस हुआ करता था। मेरे वही लाने में अंग्रेज़ों का परवरदा ये हमारे पाकिस्तान वाला, इंडिया वाला, पंजाब वाला ग़ुलाम अहमद कादियानी, वो हरकतें, उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब वो हरकतें, ये अटची टेटी पाकिस्तान वाले का है। मुसैलमा कज़्ज़ाब का नहीं, वो अंग्रेज़ों का परवरदा नहीं था, वो तो शैतान की तरफ से गुमराह किया गया था। ये कहता है कि मुझ पर वही आती है, अटची टेची लाता है। चूँकि अंग्रेज़ों ने बनाया था इसको नबी, तो वो ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी में ही वही भी आती होगी, या नाम भी अंग्रेज़ का कोई, जैसे अंग्रेज़ों के होते हैं ना एडवर्ड डेविड ये और वो, इसका नाम था एटची टेची। और वो मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है कि अंधेरे अंधेरे में, तारीकी में मेरे पास कोई तारीख से आदमी आता है, वही लेके आता है, काले 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 कपड़े, रंग, करतूत, सारे, ये पूरी एक पार्टी। अल्लाह ताला इनके काले करतूतों से हम सब को महफूज रखे। अल्लाह का नूर इल्म और अल्लाह की ज़ाते गिरामी नूर, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, नूर के मुकाबले में ये तारीखियाँ रुक नहीं सकती, अड़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। शर्त यह है कि नूर का थोड़ा बहुत पता तो हो ना। अगर आपके पास नूर है, आपको मुअव्वज़ातैन याद हैं, आपको सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें आमन रसूलो या तीसरी शामिल कर लिल्लाह माफिस समावात वल, अगर ये याद हैं अपने अपने बीवी अपने बच्चों पर आप पढ़ते रहते हैं, इंशाल्लाह इन काले करतूतों वालों का असर जो है वो आपको नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो मुझे और आप सबको इनके शर से महफूज रखे। वमिन शर हासिदिन इज़ा हसद, में जब हसद करने वाला, हसद की तबाहकारियाँ आपके सामने हैं, सिर्फ मैं दो वाक़यात की तरफ इशारा करके छोड़ देता हूँ। हसद की तबाहकारियों में से सबसे पहला वाक़या है हाबील और काबील का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाक़या हम कुरान करीम में तफसील सारी वो पढ़ लें। हाबील और काबील में जंग हुई, क्यों हुई? काबील ने हाबील को कत्ल किया, क्यों किया? वहाँ भी सिर्फ हसद ही कार फरमा था। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों गिराया गया? हसद की वजह। ये दो वाक्य अगर आप अपने जहन में रखें, आपको ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाक़या तो चूँकि दोनों आपके इल्म में हैं, इसलिए मैं इनमें तफसील इनकी तफसील बयान नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से बचो, लेकिन रश्क या तमन्ना, अच्छी तमन्ना करना, ये जायज़ है। जैसा कि हदीस में आता है, ला हसदा इल्ला फिसनतैन, दो चीज़ों के सिवा किसी में हसद करना, मुराद यहाँ है रश्क करना, वो भी जायज़ नहीं है। एक वो जिसे अल्लाह ने दौलत दी और वो दौलत अल्लाह की राह में खर्च करता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म व हिकमत अता फरमाया, कुरान की तिलावत करता है, इल्म व हिकमत से फैसले करता है,
इन दो के साथ हसद करना या इन दो का रश्क करना, सही मानों में हमारे चूंकि उर्दू में हसद का लफ्ज बुरे के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छे के लिए नहीं, इसी का जो तर्जमा सही उर्दू में है वो है रश्क। या अल्लाह इसे दिया है मुझे भी दे, या अल्लाह इसका बेटा इतना खूबसूरत है मुझे भी खूबसूरत बेटा दे, या अल्लाह इसकी औलाद इतनी नेक है मेरे बच्चों को भी नेक कर दे, या अल्लाह इसके पास इतनी खूबसूरत गाड़ी है मुझे भी दे दे। अल्लाह से कोई मुश्किल है? किसी भी आदमी को गाड़ी दे सकता है, घोड़ा दे सकता है, किसी भी आदमी को कार दे सकता है, कोठी दे सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। रश्क जायज़ है और हसद हराम है, गुनाहों को जमा करता है आदमी के नामे अमाल में और नेकियों को वो बर्बाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सब लोगों को सारे हासदों के हसद से, शर करने वाले, गिरहों में फूंके मारने वाले और सारे नुकसानदेह जितनी मखलूकात हैं सब के शर से अल्लाह मुझे और आप लोगों को महफूज रखे। पिछले दर्स के ज़मन में मैंने ये बात जिक्र की थी कि तौहीद पब्लिकेशन बेंगलोर की तरफ से इन्हीं दो सूरतों मुअव्वज़तैन, सूरतुल फलक और सूरतुल नास का तर्जमा तफसीर वगैरह, जो कि दो उलमा जिनमें से अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह जिनकी किताब पिछले दर्स में मैंने दिखाई थी, यहाँ हमारे अमजद भाई लेके आए थे, तो वो किताब मैंने दिखाई, वो थी तफसीर सूरत मुअव्वज़तैन। उस किताब से और शेख अब्दुल्ला नासर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह जो कि पाकिस्तान में बल्कि उर्दू दान हजरात में मारूफ हैं, बड़े आलिम हैं माशाल्लाह, उनका दर्स था और उन सब के मजमूए को जमा करके हमारे ये शाह सत्तार भाई हैं, इन्होंने उसे मुरतब किया, फिर उसको मैंने एडिट किया, यानी कई लोगों की मेहनत के नतीजा में ये 72 पेजेस की किताब है छोटी सी। ये खुलासा है, यानी बहुत बड़ी तफसीलात से कुछ खुलासा निकाला गया है, मेरा ख्याल इनके पास होंगी, जिसे चाहिए ले लेने तो इंडिया से मंगवा लें, और वैसे कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको आज या कल जैसे ही मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल गई आप सबको एक मरतबा आपके मेल में भेज देंगे और उससे आप अपने इस इम्तिहान की तैयारी में इंशाल्लाह तामन हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे वेबसाइट पर भी कहते हैं मौजूद हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी वेबसाइट खोलता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम क्या क्या वहाँ है। जायज़ और नाजायज़ वसीला और नेकियां कमाने के आसान तरीके, ये दो मौजूआत हैं इन दो डीवीडीज़ में, जो कि हमारे दर्स हैं, दोनों शायद जुमा के हैं, यहाँ के हैं। अच्छा, जायज़ और नाजायज़ वसीला यहाँ का है और दूसरा जो है नेकियां कमाने के आसान तरीके, ये जामे मस्जिद जामे उस्मान का है। ये दोनों दर्स यहाँ काशिफ साहब के पास मौजूद हैं, जिनको चाहिए ये ले लीजिए। एक सवाल किसी ने पिछली मरतबा भी किया था और वो पता नहीं कैसे रह गया था, इस मरतबा फिर आया है, वो सवाल भी है और कुछ और सवाल भी हैं। वक्त वैसे पहले ही काफ़ी आउट हो गया है, इसलिए जो पिछली मरतबा सवाल आया था उसका जवाब मैं अभी देके जिक्र करता हूँ और उसके बाद ये चार पर्चियाँ हैं, इनमें चार पांच सवाल हैं, ये रोक लेते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी तो अगले दर्स के बाद करेंगे। इसमें लिखा है कि मेरी बीवी बदज़बानी करती है, गालियाँ देती हैं बच्चों को भी, ज़बान दराज़ी करती है, गालियाँ देती है मुझ पर और बच्चों पर, यानी मुझे भी गालियाँ देती हैं और बच्चों को भी गालियाँ देती हैं, और साथ ही लिखा है कि ऐसी बीवी के साथ क्या करना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि बीवी का जुर्म तो बहुत बड़ा है, शौहर जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा करना जायज़ समझता या जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह के लिए सजदा जायज़ नहीं है इसलिए बीवी को ये हुक्म नहीं। वरना आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या बता रहा है, अगर सजदा गैरुल्लाह को जायज़ होता तो बीवी को हुक्म होता कि वो शौहर को सजदा करे, और बीवी गालियां दे रही है और बेचारे हमारे किसी भाई ने कितना तंग आके फिर अखीर लिख दिया है कि बीवी शौहर को गालियां दे रही है और बच्चों को भी, बच्चों को तो मान लेते कोई बात नहीं बच्चे उसके हैं,
बच्चे बीवी के भी हैं शौहर के भी हैं और बच्चे हैं, बच्चे के लिए कुछ छोटी मोटी गाली गलोच, ज़ाहिर है कि गंदी गाली तो मुसलमान औरत की ज़बान से अच्छी नहीं लगती ना मर्द से, लेकिन कुछ होता है बच्चे ने सताया, तकलीफ़ दी, कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, अब शौहर को भी गालियाँ देती हैं तो ये तो बहुत बड़ा जरीमा है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसके बारे में कहते हैं क्या करना चाहिए। अब जो औरत कहने से ना माने, एक मर्तबा कहाँ, दो मर्तबा कहाँ, और ये भी है कि आज गालियाँ ही सिर्फ दे रही है, कल को अल्लाह ना करे शौहर बीमार हो जाए, कमज़ोर हो जाए। मैं कोर्ट में काम करता हूँ, हमारे पास केस आते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के। एक मर्तबा केस आया, यकीन माने कि आदमी ने कहा कि मेरी बीवी मुझे गिरा के ऊपर बैठ के मुझे मारती है, अल्लाह ना करे ये नौबत यहाँ आए, ऐसा भी होता है। तो ये कोई बीवी थोड़ी है, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो बास भी नहीं है, बास भी ऐसा नहीं करते अपने अंडर काम करने वालों के साथ, ये तो बीवी नहीं, ये तो कोई और ही चीज़ है। अल्लाह ताला इस खातून को हिदायत अता फरमाए, बल्कि ऐसी तमाम ख़वातीन को अल्लाह ताला हिदायत दे जो अपने शोहरों को बुरा भला कहती हैं। कई ऐसे हैं कि अपने बीवी शोहर बीवी आपस में ऐसे रहते हैं कि बातें करते करते कहेंगे वो छोड़ो मेरी माँ, ये बीमारी बड़ी आ रही है कि माँ तक बीवी को कह रहे हैं वो प्यार से या जैसे भी है, और वो कहती है छोड़ो मेरे बाप। और एक ये हैं कि जो इधर हद से गुजर गए वो उधर हद से गुजर गए, ये हद से गुजरना कहीं भी जायज़ नहीं, ना प्यार में ना दुश्मनी में। अरबों में एक मकूला मशहूर है, बल्कि गालबन कोई रिवायत भी है कि किसी से दुश्मनी करो तो थोड़ी शायद कल को दोस्ती बन जाए, तो पिछली बातें याद करके, और किसी से प्यार करो तो पूरा सा, कहीं ऐसा ना हो कि कल को दुश्मनी बने और गुआरा। तो यहाँ दोनों काम उल्ट हैं, एक तरफ माँ बाप बना के बैठ जाते हैं, दूसरी तरफ गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को हिदायत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर का बहुत ही बड़ा मकाम बयान किया है कि अगर सजदे की गुंजाइश होती तो औरत को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ये एक और सवाल भी आया है, हम इनको सारे सवालों के ज़िम्मे में रखते हैं, वक्त ज़्यादा हो गया है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम पढ़ने की तौफीक दे, अकीदा सही करने की तौफीक से।